आप लोग अंडा खाते हैं कि नहीं? सच्ची बताना, आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। अंडा खाते हैं आप लोग? कितने लोग हाथ उठाओ। मैया खाती हो अंडा? बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। क्यों जीव हत्या करते हो भाई? क्या मिलता है ये सब खाने से? क्यों अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हो? खाने को बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खूब खाओ, मांस ना खाया करो। अंडा क्या है? मुर्गी का बच्चा होता है, उसे ना छेड़ा जाए ना फोड़ा जाए तो उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है। आप क्या खा रहे हैं? मुर्गी के बच्चे को खा जाते हैं, तो क्या ये ठीक है? किसी सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी इसमें बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, और भी चीज़ें बताई, ये होता। हमने कहा जो चीज़ अंडे में होता है वो चीज़ तो आप केला खा के पूरी कर लीजिए, केला में भी वही चीज़ें हैं, एप्पल सेब में भी वही चीज़ें हैं, दाल रोटी में भी वही चीज़ें हैं। जो प्रोटीन जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए वो तो दाल रोटी से भी मिल जाते हैं ना, अंडा और मछली से ही वो प्रोटीन वो विटामिन हमें मिलें, ऐसा नहीं। ऑप्शन में रोटी भी तो है, क्या रोटी से हमें नहीं मिलती शक्ति? क्या दाल चावल से हमारा पेट नहीं भरता? क्या दाल चावल खाने वाले लोग इतिहास नहीं रचते? फिर क्यों मांस खा के अपना धर्म बिगाड़ते हो? मांस खाने वाला अपना धर्म बिगाड़ रहा है। हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। मांस सर्वथा त्याज्य है। मांस ईश्वर ने हमारे लिए थोड़ी बनाया है। अरे शेर मांस खाता है, शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर ने उसके दांत भी बड़े बड़े बनाए हैं। मांस खाने वाले जानवरों के बड़े बड़े कैनाइन दांत होते हैं, बड़े बड़े बगल में, कुत्ते के बिल्ली के, इनके दांत अलग होते हैं। आपके दांत तो ऐसे नहीं हैं कुत्ते बिल्ली जैसे के हैं, ये करो ये हम देखे हैं कि नहीं हैं? कुत्ते बिल्ली शेर जैसे आपके दांत हैं नहीं ना? नहीं हैं? आप भी चेक कर लेना, ईश्वर ने आपको दे तो नहीं दिए चोड़ेलन टाइप के? फिर जब ईश्वर ने आपको वो वाले दांत नहीं दिए, डॉक्टर भी कहते हैं जो समझदार डॉक्टर हैं कि जो तुम्हारा पेट है ना वह दाल चावल रोटी को जल्दी से पचा लेता है, पर जो तुम्हारी जठराग्नि है वह मांस को पचाने के लिए ईश्वर ने बनाई ही नहीं, जबरदस्ती लोड डाल रहे हो, जल्दी बिगड़ जाएगी। पेट नहीं है हमारा मांस पचाने लायक, हमारा पेट तो दाल चावल रोटी पचाने। शेर की जठराग्नि तीव्र होती है, शेर पचा सकता है, शेर खाता है, शेर अब उसका अपना धर्म है। शेर को गाय चारा खाती है, शेर मांस खाता है। गाय चारा खाती है ना तो गाय के भी वो वाले दांत नहीं होते पहने वाले जो कुत्ते बिल्ली और शेर के होते हैं। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। जो मांसाहारी जीव होता है वह पानी को कैसे पीता है, और शाकाहारी जीव होता है वह पानी को कैसे पीता है? ईश्वर ने डिजाइन अलग अलग किया, शाकाहारी जानवर अलग है, मांसाहारी जानवर अलग है। मांसाहारी जानवर है कुत्ता बिल्ली शेर चीता, ये सब मांसाहारी हैं। ये पानी कैसे पीते हैं जरा बताओ? ये पानी को चाट चाट कर पीते हैं जिह्वा से। और भैंस बकरी गाय ये कैसे पानी पीते हैं? ये चाट कर नहीं पीते, ये अपने मुंह से या होंठों से पानी पीते हैं, हाँ या ना? सही है। अब आप अपनी बताओ, तुम कैसे पानी पीते हो? चाट के गाय की तरह पानी तुम पीते हो कि बिल्ली और शेर की तरह तुम पानी पीते हो? कैसे पानी पीते हो? गाय की तरह। यदि तुम्हारे दोनों हाथ पीछे कर दिए जाएं और बाल्टी में पानी भर के कहा जाए पियो, तो तुम पानी गाय की तरह पियोगे, शेर की तरह नहीं पियोगे, हाँ या ना? मतलब ईश्वर ने जानवर जो मांसाहारी जानवर हैं
उनको अलग सिस्टम दिया, चाट चाट के पानी पी, कुत्ता भी चाट के पानी पीता है, बिल्ली भी चाट के पानी, जो जीव चाट चाट के पानी पिए ये मांसाहारी है और जो मुंह से पानी पिए वो शाकाहारी है। इसका अर्थात ईश्वर ने तुम्हें जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी तुम मांस भक्षण करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा, फिर चाटते रहना पानी को, हड्डी लेके घूमते रहना मुंह में दबाए, जैसे कुत्ता हड्डी लेके भागता है ना। आप भी मांस का सेवन करेंगे तो अगले जन्म में ईश्वर मांसाहारी बना देगा। तुम्हें बड़ा मांस पसंद है, जाओ कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, फिर चूहे को बैठी बैठी, जैसे आजकल अंडा देखती हूँ कब अंडा आएगा कब अंडा आएगा, ऐसे फिर चूहे को देखना बिल्ली बन के, कब चूहा निकले कब झपट्टा मारना। अंडा मुर्गी मांस ये सब जीव है। आप मछली को पानी से निकालते हैं तड़पती है कि नहीं, हाँ या ना, तड़पती है ना बच्चा, क्यों तड़पती है, क्योंकि वो फिर से पानी में जाना चाहती है, वो अपनी जान बचाना चाहती है। मछली को भी अपनी जान बड़ी प्रिय है, जैसे आपको अपनी जान प्रिय है ऐसे मछली को भी अपनी जान प्रिय है, तड़पती है बेचारी, लेकिन तुम इतने निर्दयी हो तड़पती मछली को खा जाते हो। इतनी निर्दयता तो नहीं थी, अरे हम भारत के लोग, तुम तो मांस ना खाओ, अमेरिका जापान लंदन के लोग मांस खाते हैं, चलो वो मांसाहारी हैं, वो सत्संग नहीं करते, उनके यहाँ इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, वो भोगवादी है। हमारा भारत तो भक्तिवादी है, योगवादी है, इसलिए भारत को भारत रहने दो। यहाँ शाकाहार करने वाले लोग हैं, मांसाहार नहीं है।